उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर पूरे देश की नजरें हैं, दो चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और दोनों चरणों के चुनाव में कुल 16 सीटों पर लोकसभा का चुनाव अब तक संपन्न हुआ है। और अगर आपको मैं अग्रिम परिणाम बताऊं तो कांग्रेस 0, सपा 0, बसपा 0 और भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर विजयी होकर के 2014 की पुनरावृत्ति और उससे भी आगे जाकर के परिणाम प्राप्त कर रही है। सचमुच मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश के इन मतदाताओं का जिन्होंने जातिवाद की राजनीति को, मत और मजहब में विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि देते हुए मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद का एक जो नया अलग जगाने का कार्य पूरे देश के अंदर हुआ है, विकास की सकारात्मक राजनीति को हाथों हाथ लिया है और आज उसका परिणाम है कि जातिवाद की दीवारें तड़पती भी दिखाई दे रही हैं। स्वाभाविक भी है, ये वोट है। चुनाव के दौरान हमारे द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि हम सबका एक प्रतीक होता है। वह प्रतिनिधि हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। कैसा नेतृत्व हमें देना है, किस प्रकार का नेतृत्व हमें देना है, यह हम सबका एक प्रतीक होता है कि हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व कौन सा व्यक्ति करेगा। भाइयों बहनों, मैं आज से 20 दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, टिकट वितरण के कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। मेरे पास समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता का फोन आया, उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा देखिए, मैं लखनऊ एक घंटे में पहुंचूंगा, एक घंटा रहूंगा, उसके बाद फिर मुझे आगे कार्यक्रम में जाना है। तो उन्होंने कहा एक घंटे के अंदर मैं आपके पास आ जाता हूं। उनका नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह, 6 बार एमएलए बने, वर्तमान में एमएलसी हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा चौधरी साहब बताइए कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आया हूं आपके पास इस बात को लेकर के कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना चाहता हूं। तो मैंने कहा हम लोग तो टिकट दे चुके हैं। उन्होंने कहा बिना शर्त में आ रहा हूं क्योंकि मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए बहुत प्रतिष्ठा कमाई है। अब मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। उसी समय उनका लड़का जो शामली का जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा है बोल पड़ा। उसने कहा साहब हम लोग इसलिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जब घर में जाते हैं तो घर की महिलाएं हमें इस बात के लिए हमेशा धिक्कारती हैं, जब समाजवादी पार्टी का झंडा हमारी गाड़ियों में देखती है घर की महिलाएं तो कहती कि आप गुंडों का झंडा लेकर के घर में चले आते हो। और इसलिए इस गुंडों के झंडे को हमेशा के लिए तिलांजलि देना चाहते हैं। मैंने कहा भी कैसे आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हो गई है, कोई ऐसे अटैक नहीं हो सकता, किसी बहन बेटी का अपहरण नहीं हो सकता, केराना और कांदला जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। केराना से जितने व्यापारी भाग गए थे उनका कारोबार चौपट हो गया था, गुंडा टैक्स देते देते, और उन्होंने उत्तर प्रदेश से ही प्लान कर दिया था, वे सभी के सभी व्यापारी केराना और कांदला में वापस आ गए हैं। बहन बेटी आज हर व्यक्ति इस बात के साथ स्कूल भेजता है कि अब हमारी बहन बेटी को कोई भी बाल बांका नहीं करेगा। और भाइयों बहनों, मुझे लगा कि वास्तव में हम सबका सत्ता में रहना सार्थक हुआ। 2 साल के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को जिन स्थितियों पर पहुंचाने का कार्य हुआ है, इसको और भी बेहतर करना, क्योंकि हम सबका मानना है कि गुंडों की जगह तो जेल होनी चाहिए,
या फिर उनकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी चाहिए। इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति कानून के राज को नहीं मानता तो उसको कानून की भाषा सिखाई जानी चाहिए। और भाइयों बहनों, कानून की भाषा अपराधियों के साथ साथ देश के अंतर देशद्रोह का साथ देने वाले आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद को भड़काने वाले, उनको प्रश्रय देने वाले तत्वों को भी समझाने की आवश्यकता है। और उनको समझाने की दृष्टि आज हम सब आपके पास आए हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों का साथ। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होगा, कांग्रेस के पास प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। देश की कभी राष्ट्रीय पार्टी रही, देश के अंदर सर्वाधिक शासन करने वाली कांग्रेस में प्रत्याशियों का इतना अकाल पड़ जाए, मैं तो राहुल गांधी को एक सुझाव दे रहा हूं कि भाई प्रत्याशी भारत के अंदर नहीं मिलेंगे तो कम से कम इटली से ही कुछ लेके आ जाओ, क्योंकि इटली में बहुत सारे लोग उनकी आड़ में, उनके शासन काल में इस देश के अंदर अलग अलग फूल खिलाने का कार्य करते थे। कम से कम इस समय भी प्रत्याशी अगर भारत में नहीं मिल रहा है तो बाहर से ही लेके आ जाते हैं।